कि हम फिर से वही काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बेकार हो जाए। नशे से अपने आप को बचाना आज के दौर में ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम है। आज के नौजवान हम देखते हैं कि नए साल की खुशी में नशे में मस्त होते हैं। एक स्नेक बाइट करके आता है, जबान पर सांप बाइट करता है और 72 घंटे इंसान बेहोश होता है। 72 घंटे 72 आवर्स बेहोशी की हालत में गुजारता है आज का नौजवान, सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी में नया साल आ रहा है। हालांकि ये साल उसकी जिंदगी का जो 2023 है ये कम हो चुका है, यानी उसकी जिंदगी का एक साल कम हो गया। अफसोस का मकाम था, लेकिन इंसान और नौजवान आज का साल के खत्म होने पर और नए साल के लगने पर खुशियां मना रहा है। अपने आप को शराब के नशे में मस्त करता है, रातों में अय्याशी करता है, बाइक पर स्टंट करता है और रात सिगरेट नोशी में, शराब नोशी में यूं ही गुजर जाती है। ये ऐसे काम हैं जिसके जरिए से न हमारे घर वाले खुश होंगे, न अल्लाह खुश होगा, न अल्लाह का नबी खुश होगा। इंसान अगर इसी हालत में अल्लाह के पास चला जाए तो सीधा जहन्नम में चला जाता है। इसलिए फरमाया कि शराब हर गुनाह की जड़ है। शराब की वजह से इंसान हर गुनाह कर सकता है, क्योंकि वो होश में नहीं होता है। शराब के नशे में होता है तो वो होश में नहीं होता। इसलिए नौजवानों से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं यहां पर कि वो अपने आने वाले साल को यानी 2024 को नशे मुक्त, यानी नशे से फ्री, नशे से आजाद, तंबाकू से आजाद, शराब नोशी से आजाद, सिगरेट नोशी से आजाद, बुरे दोस्तों से आजाद, हर तरह की बुराई से दूर रहकर आने वाले साल को गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त है सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक मर्तबा जिंदगी का वक्त चला गया, जो साल चला गया वो कयामत तक के दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए आखिर में यही बात मैं कहूँगा कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त को गनीमत जानो मसरूफियत के आने से पहले पहले। हाँ, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। इंसान जवानी में अल्लाह की इतनी इबादत करे कि जब बूढ़ा हो जाए और सजदे की ताकत ना हो तो अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है जो वो जवानी में किया करता था। हाँ, वो नेकी के काम करे, वो भलाई के काम करे जिससे अल्लाह राजी होता है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यू मचल, एक दिन आ दबोचेंगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने की हम सब कोशिश करें तो दोनों जहां में अल्लाह हमारे हक में कामयाबी अता फरमाता है।